नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, तो मैं जो है प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन लूँगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 2 वीडियो डाले थे इतिहास के MCQ वाले, जिसमें पूरे भारत का जो इतिहास है शुरू से लेकर अभी तक, मतलब कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत, तो उसके जो है टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे पूरा मिक्स। लेकिन अब जो है पूरा एक क्या कहेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, प्राचीन भारत से शुरू करेंगे, जिसमें इतिहास जानने के स्रोत वैदिक सभ्यता, फिर मौर्य काल, इस टाइप से जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उस पर भी एक अलग से सीरीज चलाऊं, स्वतंत्रता आंदोलन वाले क्वेश्चन भी हम लोग जो है अलग से देखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन पर वीडियो बनाइए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर लेक्चर वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो मेरे चैनल पर जो हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे थे भारतीय इतिहास का, तो उसका जो मध्यकालीन भारत है, जो भी मुगल साम्राज्य चल रहा है, वो समाप्त होने वाला है और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है आधुनिक भारत शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जो है कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो वीडियो हम लोग चालू करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है। तो वेद शब्द, इसका आप लोगों को अर्थ बताना है, जो यहां पर वेद शब्द है इसका क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो ऑप्शन दिया हुआ है धर्म, प्राचीन, ज्ञान, श्रेष्ठ। तो धर्म तो नहीं है, प्राचीन भी नहीं है, श्रेष्ठ भी नहीं है। ये जो ज्ञान है, वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो वेद है वो ज्ञान का भंडार है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ध्यान रखेंगे। सभी वेदों के नाम भी आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदों का संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है। आपको बताना है कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनके संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है। वैसे इन सभी वेदों में जो भी ऋचाएं हैं, जो भी श्लोक मंत्र हैं ना, उनको अलग अलग ऋषियों द्वारा संकलित किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति है जिनको वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो पहला दिया है महाकवि कालिदास, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगस्त्य ऋषि, तो जो अगस्त्य ऋषि हैं ये प्राचीन समय के ऋषि थे। विश्वामित्र, ये भी उसी समय के थे। कृष्ण द्वैपायन, तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में कृष्ण द्वैपायन जी को स्वीकार किया गया है। तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि ये जो 4 वेद हैं उनसे हमको किस विषय में जानकारी प्राप्त होती है, किनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन। पहला दिया है भारत में मानव की उत्पत्ति के संबंध में, तो हमारे भारत में मानव की उत्पत्ति हुई उस संबंध में वेदों से जानकारी मिलती है, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है आर्यों के विषय में, तीसरा बोल रहा है द्रविड़ों के विषय में, चौथा बोल रहा है प्राचीन भारत में निवास करने वाली पहली मानव जाति के विषय में। तो यहाँ से जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये सही है। जो पूरा का पूरा जो वेद है ना, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो पूरा वैदिक सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता थी, तो आर्यों के विषय में यहाँ से जानकारी मिलती है, उनका रहन सहन, क्या कुछ वो लोग कैसे रहते थे, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, हर विषय में उनके विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ से, वेदों से। तो वेदों से जो है आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, वेदों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदों का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है। मतलब आपको जो है वेदों की रचना के अनुसार उनको सही क्रम में लगाना है, मतलब कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई, फिर कौन से वेद की रचना हुई, इस प्रकार से। तो ऑप्शन वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये है आप लोगों के सामने। तो 4 वेद हैं, 4 वेदों के नाम आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ में पहले किसकी रचना हुई वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो सबसे पहले ऋग्वेद, इसकी रचना हुई। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है वेदों में और विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सामवेद, सामवेद दूसरा है। तीसरे नंबर पर आता है यजुर्वेद, और जो सबसे आखिर में रचा गया था
शाम विद। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ये हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 ये हमारा सही क्रम होगा। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, 1, 4, 2, 3। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में, तो ये जो ऑप्शन बी है 1, 4, 2, 3, हाँ ये है ना 1, 4, 2, 3, तो ये जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो वेदों का सही कालक्रम भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले ऋग्वेद आया था, उसके बाद सामवेद की रचना हुई, फिर यजुर्वेद की रचना हुई, और सबसे आखिर में अथर्ववेद की रचना हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन, ऋग्वेद के विषय में क्या सही है। तो देखिए ऋग्वेद के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, सही है असत्य है इस टाइप से। तो देखिए पहला बोल रहा है ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही है, जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में बटा हुआ है। 10 मंडल मतलब ये जो 10 भाग या फिर हम लोग कहें 10 इकाई 10 अध्याय, जैसे कि लेसन भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो 10 मंडलों में बटा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, मतलब जो उसका अलग अलग फिर भाग होता है ना, तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों में बटा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा वाला ऋग्वेद गद्य और पद्य दोनों रीतियों दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो ये जो है गलत है, जो ऋग्वेद है ना ये पद्य शैली में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। जो गद्य मतलब क्या, कहानी के हिसाब से, और पद्य मतलब काव्य, तो ये जो है पद्य शैली में लिखा गया है ऋग्वेद, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार गंगा नदी का वर्णन किया गया है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है कुछ ही बार मिला है, लगभग एक बार किया गया है जहाँ तक, और जो सिंधु नदी है उसका उल्लेख कई बार मिलता है ऋग्वेद में। ध्यान रखेंगे जो ऋग्वैदिक काल थी ना उस समय सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि जो वैदिक आर्य थे वो सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो आज का जो पाकिस्तान है पंजाब है उस तरफ जो है इनका वास था, जिसको सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो तीसरा और चौथा ये दोनों गलत होगा। पाँचवा देख लेते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों का वाचन करता को होता कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, जो ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारित करता है उसका वाचन करता है उसको होता कहते हैं। इसका जो है ना सही वर्तनी कुछ ऐसा होगा होत, यहाँ पर आधा कुछ ऐसा आता है होत, इस टाइप से लिखते हैं, तो पांचवा वाला भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है वेद विश्व की प्राचीनतम रचना है, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, वेद जो है विश्व की प्राचीनतम रचना है, मतलब हमारा जो है 1, 2, 3 और 4 तो गलत है, 5, 6, 1, 2, 5, 6 ये हमारा सही हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में किस देवता को सर्वमान्य एवं सबसे शक्तिशाली माना गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ऋग्वेद में सबसे मतलब सर्वमान्य देवता सबसे शक्तिशाली देवता किसको माना गया है। तो देखिए ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इंद्र, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, ब्रह्मा जिनको क्रिएटर कहा जाता है, जिन्होंने इस संसार को बनाया, मतलब कि सृष्टि का निर्माता प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है, लेकिन उनको जो है ऋग्वेद में प्रमुख देवता के रूप में नहीं माना गया है, ये बाद में आते हैं, उस समय नहीं थे। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता के रूप में इंद्र भगवान की का वर्णन मिलता है, ये जो है उस समय सर्वमान्य देवता थे और सबसे शक्तिशाली भी इनको माना जाता था, और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार इंद्र का ही वर्णन मिलता है, लगभग 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। तो सबसे ज़्यादा किस देवता का उल्लेख मिलता है ये भी पूछा जाता है, तो इंद्र, जिसका लगभग 250 बार उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अच्छा हाँ आपको बताना है कि ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है, तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से किस चीज़ का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो पहला बोल रहा है बहुदेववाद, मतलब कि बहुत सारे देवताओं की आराधना करना। दूसरा बोल रहा है एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ही देवता है और कोई नहीं है। तीसरा बोल रहा है एकात्मवाद, मतलब आत्मा में विश्वास इस टाइप से। चौथा बोल रहा है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, मतलब कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने भक्ति काल में देखा था उस समय के अधिकांश संत जो है निर्गुण ब्रह्म की आराधना किया करते थे, जैसे कि कबीरदास जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए। और तो आपको बताना है
कि इन चारों में से ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए इन चारों का ही ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। बहुदेववाद का भी, अपना जो एकेश्वरवाद है उसका भी उल्लेख मिलता है, उसके बाद ये जो एकात्मवाद है, निर्गुण ब्रह्म है, इनका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है चारों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये जो निर्गुण ब्रह्म है ना, इसका उल्लेख ब्रह्मांड के रूप में किया गया है। मतलब कि जो ऋग्वेद है वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के विषय में भी जानकारी मिलती है, और जो ब्रह्मांड है निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, इस टाइप का कहा गया है। तो इन चारों चीज़ों का जिक्र हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की तुलना प्राचीन ग्रंथ जेद अवेस्ता से किया जाता है, यह ग्रंथ संबंधित है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो जेद अवेस्ता है ना, ये जो जेद अवेस्ता मैंने यहाँ लिखा है, तो ये जो जेद अवेस्ता है ये प्राचीन समय का एक ग्रंथ है। प्राचीन समय में मतलब जो भी दूसरा कोई देश था तो वहाँ से संबंधित ये ग्रंथ है, और ये जो है ऋग्वेद के समान ही प्राचीन इसको माना जाता है, और ऋग्वेद और इस जेद अवेस्ता ग्रंथ में बहुत ज़्यादा समानताएँ देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि इस ग्रंथ का संबंध कहाँ से है, किस देश से है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फारस है, अरब है, उसके बाद रोम है, यूनान है। तो उस समय जो है यूनान, रोम, ये सब काफ़ी मतलब बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। फारस भी जो पर्शियन साम्राज्य है, तो ये सब जो है उस समय थे। तो जो जेद अवेस्ता है उसका संबंध किन से है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो फारस है ना, इससे जेद अवेस्ता का संबंध है, जिसको ईरान के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ईरान बोले या फारस बोले, तो ईरानी ग्रंथ जेद अवेस्ता का मतलब क्या कहेंगे, ऋग्वेद से बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव को संबंधित है। देखिए सोमदेव जो कि उस समय के एक प्रमुख देवता थे, जिस प्रकार से इंद्रदेव थे, ठीक उसी प्रकार से सोमदेव भी जो है उस समय के देवता थे। माफी चाहूंगा, तो आपको बताना है कि सोमदेव इनका संबंध किस मंडल से है। तो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में बटा हुआ है, तो सोमदेव का संबंध किस मंडल से है ये आपको बताना है। तो पहला दिया है सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और दसवां मंडल। तो जो सोमदेव है उनका संबंध नौवां मंडल से, पूरा का पूरा जो नौवां मंडल है वो सोमदेव जी को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नौवां मंडल किसको समर्पित है, सोमदेव से संबंधित कौन सा मंडल है, तो ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य कथन का चयन करिए। तो नीचे जो है आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहला दिया है, ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। तो जी हाँ बिल्कुल, जो ऋग्वेद है उसकी सातवीं और आठवीं, सॉरी सातवीं बोल रहा हूँ, दूसरा और जो सातवां मंडल है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, दूसरा और सातवां मंडल। उसके बाद अगला दिया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित शब्द इंद्र है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में वर्णित मतलब ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा वर्णित शब्द इंद्र है। नहीं, ये वाला जो गलत है, ये जो बी है ना, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद अगला दिया है, पहला और दसवां मंडल अंत में जोड़ा गया, ये भी सही है। उसके बाद अगला है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा, आपको जो है ना असत्य कथन का चयन करना था। यहाँ पर जो असत्य है, जो सही नहीं है, उसका चयन करना था, तो यहाँ पर सत्य हो गया है, तो असत्य कथन का चयन करना है। तो ये जो है ना सेकेंड वाला बी, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित शब्द इंद्र है, ये गलत है। हालांकि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता इंद्र है, लेकिन इंद्र से भी एक शब्द ऐसा है जिसका वर्णन बहुत ज़्यादा बार किया गया, पिता। पिता शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में लगभग 335 बार किया गया है। वहीं जो इंद्र है, अभी मैंने बताया लगभग इंद्र का वर्णन जो है 250 बार किया गया है, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। जो दूसरा मंडल है और सातवां मंडल है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद जो पहला और दसवां मंडल, ये आखिर में जोड़ा गया था। उसके बाद जो ऋग्वेद में सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है ना, उसके पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए जो ऋग्वेद के जो मंडल है ना, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक बनाए गए थे, वो सुविधा अनुसार आगे पीछे जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो कि ओम भूर्भुवस्वः वाला, तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है।
तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन किस मंडल से लिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। तो देखिए अपना ऑप्शन दिया है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। तो ये जो है तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। और ये जो गायत्री मंत्र है ये सविता नामक देवता को समर्पित है, और इनको जो है ना सविता नामक देवता, इनको सवित भी कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है, और इनका गायत्री नाम से देवी के रूप में पूजा भी किया जाता है। मतलब कि देवता के रूप में भी और देवी के रूप में, देवता के रूप में सविता के नाम से और देवी के रूप में गायत्री के नाम से पूजा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृषि विषयक जानकारी अर्थात निर्गुण ब्रह्म की जानकारी किस सूत्र से प्राप्त होती है, सॉरी सृष्टि विषयक जानकारी अथवा निर्गुण ब्रह्म की जानकारी किस सूत्र से प्राप्त होती है। जो अपना मैंने जो बताया था निर्गुण ब्रह्म, तो ये किस सूक्त से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, देवी सूक्त और नाशदीय सूक्त। तो ये जो है सृष्टि विषयक जानकारी अथवा निर्गुण ब्रह्म विषयक जानकारी ये प्राप्त होती है नाशदीय सूक्त से। जो मैंने ऑप्शन लिया था निर्गुण ब्रह्म जो पहले भी, तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है या फिर सृष्टि ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार हुई इस विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, नाशदीय सूक्त से, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही जो पुरुष सूक्त है यहाँ से पहली बार शूद्रों के विषय में जानकारी मिलती है, नदी सूक्त यहाँ से जो है नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, देवी सूक्त में उस समय की जो भी देवियाँ थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है सृष्टि विषयक जानकारी अथवा निर्गुण ब्रह्म की जानकारी अपने जो है नाशदीय सूक्त से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, सबसे अंतिम वर्णित नदी कौन सी है। तो देखिए ऋग्वेद में ना टोटल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है अपनी जो सिंधु नदी है उसके बारे में मिलता है, उसके बाद जो सरस्वती नदी है, ये सब उस समय की जो है प्रमुख पवित्र नदियाँ हुआ करती थी। जो सिंधु है वो प्रमुख होती थी और जो सरस्वती है उसको पवित्र नदी माना गया है। बाकी जो गंगा यमुना जो आज के उत्तरी भारत में प्रवाहित होती है इनके विषय में जो है बहुत कम जानकारी मिलती है, गंगा के बारे में एक और यमुना के बारे में तीन बार ही उल्लेख मिलता है। तो 25 नदियों में से सबसे अंतिम वर्णित नदी कौन सी है ये आप लोगों को बताना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला दिया है गोमल, गोमल जिसको गोमती के नाम से जाना जाता था, सुवास्तु जिसको आज के समय में स्वात नदी के नाम से जाना जाता है, विपाशा जिसको व्यास नदी के नाम से जाना जाता है अब सिंधु। तो इन चारों में से जो गोमल नदी है इसका उल्लेख सबसे आखिर में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नदी सूक्त जो अभी पिछले में मैंने बताया था, ये जो नदी सूक्त है तो इसमें जो है नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर जो है गोमल नदी अथवा गोमती नदी का सबसे आखिर में जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। देखिए जो गद्य मतलब कि जो कथा के रूप में, जो पद्य मतलब काव्य के रूप में, तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो उपनिषद है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में भी, उपनिषदों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, तो जो उपनिषद है ये भी जो है गद्य और पद्य में लिखे गए हैं, बहुत सारे जो उपनिषद है वो भी गद्य पद्य में लिखे हुए प्राप्त होते हैं। तो यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। उसके बाद अगला है सुमेलित करिए, तो जो आपको जोड़ी मिलाना है, एक तरफ ऋग्वेद के नाम दिए हुए हैं और सॉरी एक तरफ जो है वेद के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनके उपवेद। देखिए जितने चार वेद हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनके अपने अपने अलग से उपवेद भी हैं। जैसे होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उसी टाइप से जो है प्रत्येक वेद के अपने अपने उपवेद हैं। तो देख लेते हैं, तो क्या क्या दिया हुआ है, शिल्प वेद दिया हुआ है, आयुर्वेद दिया हुआ है, गंधर्व वेद दिया हुआ है और धनुर्वेद दिया हुआ है। तो जो आयुर्वेद है वो होगा आपके क्या कहते हैं, ऋग्वेद का होगा। आयुर्वेद किसका होगा, ऋग्वेद का होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका एक। उसके बाद जो गंधर्व वेद है ये होगा आपके सामवेद का, मतलब दो होगा ये। उसके बाद जो अगला है धनुर्वेद, ये होगा तीसरा यजुर्वेद का। उसके बाद जो शिल्प वेद है ये चौथा गंधर्व वेद का, जो इस तरफ है ऊपर में, तो
आयुर्वेद मतलब ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसके बाद जो सामवेद है उसका उपवेद है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और जो अथर्ववेद है उसका उपवेद है शिल्पवेद। तो क्या होगा आपका आंसर, ब स द अ, ये आप लोगों का आंसर होगा। तो देखते हैं ब स द, तो ब स द, ये जो ऑप्शन बी है ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कौन किसके उपवेद है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ऐसे ही जोड़ी मिलाओ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वेदों के उपवेदों को उनके विषय से सुमेलित करिए। तो अभी हम लोगों ने जो उपवेद देखे, ये चार उपवेद, तो इन उपवेदों में क्या विषय दिया हुआ है, टॉपिक क्या है, वो आप लोगों को अब मिलाना है। तो एक तरफ जो है उपवेद दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उन उपवेदों में क्या विषय है ये दिया हुआ है। तो उपवेद वही है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद और शिल्पवेद। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का है, गंधर्व वेद सामवेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, शिल्पवेद अथर्ववेद का है। तो इनमें विषय क्या क्या है हम ये देख लेते हैं, मिला लेते हैं जोड़ी। तो पहला बोल रहा है भवन निर्माण कला। तो जो भवन निर्माण कला है ना, आप आराम से पहचान सकते हो। देखिए भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला मतलब सृजन हो रहा है कोई, क्या कहेंगे, शिल्प हो रहा है। तो जो शिल्पवेद है वो होगा भवन निर्माण कला, मतलब शिल्पवेद में क्या दिया हुआ है, भवन निर्माण कला। तो आपका जो है डी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उस पर चिकित्सा और विज्ञान, चिकित्सा और विज्ञान, तो ये भी आप जो है आराम से पकड़ सकते हो। जो आयुर्वेद है वो जो है चिकित्सा और विज्ञान से संबंधित है, साथ ही साथ इसमें भूत प्रेत इस टाइप की चीज़ें भी दी हुई है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है संगीत कला, तो संगीत कला ये भी आप लोग पकड़ सकते हो। देखिए गंधर्व वेद, गंधर्व का क्या मतलब होता है, जो प्राचीन समय में जो अष्ट विवाह प्रचलित थी उसमें एक होता था गंधर्व विवाह, जो प्रेम विवाह होता था, तो प्रेम को आप जो है संगीत से जोड़ सकते हो। तो गंधर्व वेद का संबंध संगीत से है, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है युद्ध कला, तो ये भी आप लोग आराम से पकड़ सकते हो। धनुर्वेद, धनुष दिया हुआ है तो वो जो है युद्ध कला से संबंधित होगा। तो देख लेते हैं कौन सा किस किस का होगा। तो देखिए सबसे पहला जो है अपना जो आयुर्वेद है उसका हो जाएगा चिकित्सा, मतलब दूसरा होगा सबसे पहले, उसके बाद संगीत कला, फिर होगा अपना जो युद्ध कला, उसके बाद फिर ये। तो दो तीन चार, दो तीन चार एक, ये आपका सही आंसर होना चाहिए, दो तीन चार एक। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको जो है टॉपिक भी ध्यान रखना है, मतलब कि किस उपवेद का क्या विषय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। देखिए जो चार वेद है ना उनमें से एक वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। माफी चाहूंगा यहाँ पर जो है आ की मात्रा लग गया है, तो ये खाली ब्रह्म है। तो आपको बताना है कि किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें से किसको ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो जो अथर्व वेद है इसको ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अथर्व वेद में ब्रह्म विषयक जानकारियाँ दी गई है, ब्रह्म विषयक जानकारियों के होने के कारण इसको जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद से यह ज्ञात होता है कि आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। तो आपको बताना है कि किस वेद में आर्यों के निवास स्थान के रूप में सप्त सैंधव क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो सप्त सैंधव क्षेत्र है वो जो सिंधु नदी जहां से प्रवाहित होती थी, उसकी जो सहायक नदियां जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, मतलब सीधे सीधे हम लोग भूगोल की भाषा में कहें तो जो सिंधु अपवाह तंत्र वाला जो हिस्सा है वो आर्यों का निवास स्थान हुआ करता था। तो ये जानकारी हमको कहां से मिलती है, किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है यहां से हमको जानकारी मिलती है कि जो आर्यों का प्रथम निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश था। ध्यान रखेंगे सप्त सैंधव या फिर सप्त सिंधु प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना का शुद्ध प्रतिपादन सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो देखिए राष्ट्रीय भावना जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो राष्ट्रीय भावना का शुद्ध प्रतिपादन हमको किस वेद में देखने को मिलता है। तो चारों वेदों मतलब ऑप्शन में जो है चार वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो अथर्व वेद है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावना का शुद्ध प्रतिपादन देखने को मिलता है उस समय, सोच सकते हो आप लोग। तो कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आज के समय में मतलब प्रासंगिक है, वो उस समय में भी थी। तो अथर्व वेद में जो है पहली बार राष्ट्रीय भावना का शुद्ध प्रतिपादन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, दरगाह की फोटो किस वेद से यह पता चला है, आर्य शब्द
आगे बढ़ गए थे। ये प्राकृतिक पूजा, माफी चाहूंगा यहाँ पर जो है कुछ का कुछ लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि किस वेद से यह पता चलता है कि आर्य लोग सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ कर के बढ़ गए और प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन हो गए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पूरा जो है ख़राब हो गया। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि आपको बताना है कि चारों वेदों में से किस वेद से यह जानकारी मिलती है कि जो वैदिक आर्य हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ते हुए उत्तर भारत की ओर गए और वो लोग जो है प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे। मतलब जो शुरुआती लोग थे, क्योंकि जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो अधिकतर प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे और जो अपना सप्त सैंधव प्रदेश है वहां पर रहते थे। लेकिन जो बाद के आर्य थे, जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे, वो जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ने लगे और प्रकृति पूजा से उदासीन होने लगे। तो किस वेद से इस टाइप की जानकारी प्राप्त होती है ये आप लोगों को बताना है। तो मैं माफी चाहूंगा इस टाइप का जो गड़बड़ी हो गया, तो इसका जो सही आंसर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ने लगे, आगे वो जो है उत्तर जो गंगा यमुना का जो मैदान है उस तरफ बढ़ने लगे और साथ ही साथ अब वो लोग जो है प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे। तो यजुर्वेद से इस टाइप की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस उपवेद के आठ भाग माने गए हैं? जो मैंने अभी बताया ऋग्वेद के चारों वेद के अपने अपने उपवेद हैं, तो एक उपवेद है जिसका आठ भाग हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। तो जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का, यजुर्वेद है धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, शिल्पवेद गंधर्व वेद का अथर्ववेद का उपवेद है। तो जो आयुर्वेद है इसके आठ भाग है, ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद, जिसमें पूरा चिकित्सा विज्ञान इन सब के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके जो है आठ भाग है, बाकी सब जो है एक ही भाग में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद के प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर जो है ना ऋचा कुछ इस टाइप से लिखा जाना था, माफी चाहूंगा फिर से एक बार, तो ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऋग्वेद के प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है आपको ये बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो इंद्रदेव, इंद्रदेव जो कि ऋग्वेद में सर्वमान्य देवता के रूप में माने गए हैं, सबसे सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में, उसके बाद अग्निदेव, फिर है वरुण देव, फिर सोमदेव, सोमदेव जिनके लिए अलग से एक मंडल है, नौवां मंडल पूरा का पूरा सोमदेव को समर्पित है। तो ऋग्वेद में प्रथम ऋचा जो पहला श्लोक मिलता है वो किस देवता को समर्पित है ये आपको बताना है। तो इंद्रदेव नहीं है, अग्निदेव, ये जो है सबसे पहला ऋचा अग्निदेव को समर्पित है। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो अग्निदेव है ना इनका संबंध मतलब आग से है ऐसा सही नहीं है, मतलब आग से भी था लेकिन साथ साथ इसका जो मतलब निकलता है आगे, मतलब जो सबसे आगे है उसको अग्नि माना गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है उसकी कुछ शाखाएं हैं, मैं बताऊंगा आगे कितनी शाखाएं हैं। तो नीचे जो है पांच शाखाएं दी हुई है, मतलब पांच शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन सी ऋग्वेद की शाखाएं हैं आपको ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है साकल, दूसरा दिया हुआ है वास्कल, तीसरा दिया हुआ है वास्वलायन, चौथा दिया हुआ है सारवायन, उसके बाद दिया है मांडकायन। तो ये जो पांच दिया हुआ है ये पांचों ही जो है ऋग्वेद के शाखाएं हैं, ऋग्वेद की टोटल पांच शाखाएं हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, शाकल, वास्कल, उसके बाद अपना अश्व लायन, फिर सारवायन, फिर मांडकायन। तो ये जो पांचों हैं ऋग्वेद की शाखाएं थी, तो ये जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। तो पांच ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं, पांच हैं, पांचों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद में किस देवी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद में ना जिस प्रकार से देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्रमित्र, वरुण, नासत्य, तो वैसे ही कई सारी देवियों का भी उल्लेख मिलता है। तो नीचे कुछ देवियों का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो देखिए सूर्या, इनका उल्लेख मिलता है,
उषा इनका उल्लेख भी मिलता है, अदिति का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन जो संतोषी माता है इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? देखिए जो वेद है ना, चारों वेद, उनके फिर अलग अलग ब्राह्मण भी हैं। जिस प्रकार से वेदों के अपने अलग अलग उपवेद हैं, ठीक वैसे ही सभी वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण भी हैं। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो आप लोगों को याद रखना है। तो पूछ रहा है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्व वेद से, ध्यान रखेंगे। बाकी जो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इनके जो जो ब्राह्मण है वो भी आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? सतपथ ब्राह्मण, तो इसका बताना है आप लोगों को कि सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो पहला तो दिया है ऋग्वेद, दूसरा दिया है शुक्ल वेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा कृष्ण वेद। तो ये जो शुक्ल वेद है और कृष्ण वेद है, ये दोनों ना यजुर्वेद की दो भाग हैं। मतलब कि जो यजुर्वेद है तीसरा वेद, इसके दो भाग हैं, पहला शुक्ल वेद, दूसरा कृष्ण वेद। तो ये जो है सतपथ ब्राह्मण, ये शुक्ल वेद से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जिस प्रकार से ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो यजुर्वेद है वो दो भागों में बटा हुआ है, शुक्ल वेद और कृष्ण वेद। तो जो सतपथ ब्राह्मण है उसका संबंध जो है शुक्ल वेद से है, ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में यजुर्वेद दिया हुआ होता है, शुक्ल वेद, कृष्ण वेद ये नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको जो है यजुर्वेद ही लगाना है। लेकिन अगर शुक्ल वेद दिया है तो शुक्ल वेद पे लगाएंगे डायरेक्ट, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संहिता के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि जो तीन वेद हैं उनको जो है वेद त्रयी कहा जाता है संयुक्त रूप से, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीन आते हैं, अथर्व वेद उसमें शामिल नहीं है। तो वैसे ही जो है संहिता कहा जाता है कुछ वेदों के संग्रह को। तो इसमें कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन कौन से वेद आते हैं ये आपको बताना है। तो चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व वेद। तो ऑप्शन है मतलब एक दो, तो देखिए जो चारों है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों को संयुक्त रूप से संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चारों को संयुक्त रूप से संहिता, और जो तीन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको जो है वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी या त्रयी, ध्यान रखेंगे। संहिता जो है चारों को, वेद त्रयी तीन को, अथर्ववेद को छोड़ के। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो मैंने अभी बताया कि जो वेद हैं उनके अपने अपने अलग अलग से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर किस शैली में लिखे गए हैं? तो पहला दिया है पद्य शैली, दूसरा दिया है गद्य शैली, तीसरा दिया है गद्य और पद्य शैली, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो गद्य और जो गद्य शैली है ना, ये ब्राह्मण, अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथ जो है गद्य शैली में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में, मतलब कि जो व्याख्या टाइप से, उस टाइप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्याभिषेक के नियम किस ब्राह्मण से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के नियम। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो वो अपना राज्याभिषेक करवाता है, तो उसके क्या नियम होते हैं, वो किस ब्राह्मण से मिलते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला दिया है पंचविश ब्राह्मण, दूसरा ऐतरेय ब्राह्मण, चौथा सतपथ ब्राह्मण, तीसरा सतपथ ब्राह्मण, चौथा गोपथ ब्राह्मण। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, यहाँ से अपने को जो है राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं सतपथ ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, किस ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है? देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से एक ब्राह्मण को महाब्राह्मण, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा विशाल होगा, तो इस कारण से उसको जो है महाब्राह्मण कहा जाता है। कौन सा ब्राह्मण है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहला दिया है पंचविश ब्राह्मण, जिसको तांडव ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, फिर दिया है षड्विंश ब्राह्मण, फिर दिया हुआ है सामविधान ब्राह्मण, चौथा दिया है जैमिनीय ब्राह्मण। अब ये जितने मतलब क्या कहते हैं, ये जितने भी ब्राह्मण है ना, ये अपने क्या कहते हैं यजुर्वेद से संबंधित है, थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा। अच्छा ये जो पंचविश है ना, ये इसका सही आंसर है, मतलब कि जो पंचविश है
पांच भाग 25 भागों में बटा हुआ है। जो पंचविश है ना, ये 25 भागों में बटा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है। 25 भागों में बटे होने के कारण इसको जो है पंचविश कहा जाता है, साथ ही साथ इसको तांडव भी कहा जाता है। और 25 भागों में बटे होने के कारण ही इसको जो है महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वैसे ये चारों ना मेरे ख्याल से यजुर्वेद ब्राह्मण से संबंधित है, एक बार आप लोग जो है देखिए, हाँ चारों यजुर्वेद ब्राह्मण से ही संबंधित है। तो जो पंचविश ब्राह्मण है, तांडव ब्राह्मण, 25 भागों में बटे होने के कारण इसको जो है महाब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं यही समाप्त होते हैं। आप लोग बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन मैंने आंसर गलत लिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो समाप्त होता है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।